वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम आप सभी के लिए मॉक एग्जाम लेकर आए हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बीएड के एग्जाम पहली बार ऑनलाइन होने जा रहे हैं, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपने एग्जाम की प्रिपरेशन की हुई है तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है और आपको कितनी प्रिपरेशन और करनी चाहिए। तो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमने इस एग्जाम में 40 क्वेश्चन सेट किए हैं, जिसके लिए 30 मिनट्स का टाइम दिया गया है और आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 45 सेकंड का टाइमर भी दिया हुआ है। इसमें गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की गई है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को एक बार स्किप कर देते हो, चाहे वो आपने आंसर किया हो या ना किया हो, तो फिर आप उसे दोबारा रिव्यू नहीं कर सकते। इसलिए जल्दबाजी में किसी भी क्वेश्चन को स्किप ना करें और अगर क्वेश्चन अच्छे से आता हो तभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप फॉरवर्ड करें। और प्लीज वीडियो को पॉज करके भी आंसर ना करें, ईमानदारी से अपना पेपर यानी कि एग्जाम अटेम्प्ट करें। और आप प्लीज वीडियो को बैक भी ना करें, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और एग्जाम के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इन सारे के सारे क्वेश्चंस की आंसर की आपको कुछ ही टाइम के बाद मिलेगी, जिससे आप अपने एग्जाम के में कितने मार्क्स आए हैं उस स्कोर कार्ड को मैच कर सकते हैं। और हो सके तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भाई हाँ, आपके कितने मार्क्स आए हैं। और साथ साथ जब भी आप एग्जाम दो तो सारे के सारे आंसर्स को साथ साथ कहीं भी अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि आंसर की मैच करने में आपको आसानी हो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मॉक एग्जाम।